नमस्कार, एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। सिरसा में आज कांग्रेस की रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एसआरके ग्रुप के नेता शिरकत करेंगे। सिरसा की अनाज मंडी में आयोजित रैली में कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी सहित तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि दिसंबर 24 को हुड्डा ग्राउंड में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली की थी, अब कुमारी सैलजा रैली कर रही है। सिरसा में इससे पहले हुड्डा की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया गया था, लेकिन अब सिरसा में कांग्रेस की जो संदेश यात्रा है वो कल पहुंच रही है, जिसमें कुमारी सैलजा के नेतृत्व में ये रैली कांग्रेस की जन संदेश यात्रा के तौर पर की जानी है। हरियाणा में इन दिनों कांग्रेस यात्रा निकल रही है। कांग्रेस की यात्रा को जन संदेश यात्रा का नाम दिया गया है। कल यानी आज यह यात्रा सिरसा पहुंचेगी। सिरसा की अनाज मंडी में एक जनसभा को आयोजित किया जाना है, जिसमें कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी सहित तमाम कांग्रेस के नेता शिरकत करेंगे। जनसभा को लेकर सिरसा की अनाज मंडी में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। भीड़ के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं और पूर्व मंत्री अतर सिंह और राजन मेहता, वीरभान मेहता ने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया है। कांग्रेस नेताओं ने कुमारी सैलजा से सिरसा लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई है। मीडिया से बातचीत में राजन मेहता ने बताया है कि कांग्रेस की यात्रा सिरसा पहुंच रही है आज, जिसको लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब भाजपा की विदाई कांग्रेस ही कर सकती है। इसी कड़ी में सिरसा में यात्रा पहुंच रही है, जिससे कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी सहित तमाम जो नेता शिरकत करेंगे। कांग्रेस नेताओं ने कुमारी सैलजा को सिरसा से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की है। वहीं पर वीरभान मेहता ने कहा है कि इस रैली में प्रदेश में यह संदेश जाएगा कि लोग गठबंधन सरकार से तंग आ चुके हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरभान मेहता ने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है। प्रदेश का चहुमुखी विकास करवा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही करवा सकती है। और कांग्रेस नेताओं की तरफ से दावा किया गया है कि ये रैली एक ऐतिहासिक और सबसे रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी, जिसमें तमाम कांग्रेस जनों की ओर से अपनी पूरी ताकत झोंकी गई है। हजारों की भीड़ यहां पर गठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। वीरभान मेहता ने साफ किया कि कांग्रेस एक एक साथ है और सभी लोग अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। अब देखना होगा कांग्रेस इस रैली के जरिए सिरसा में भाजपा और इनेलो के खिलाफ कितना बड़ा जन संदेश दे पाती है। जितना हमने सोचा था उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग तंग तो पहले ही बीजेपी की नीतियों से थे, तो कोई जैसे अब कांग्रेस खुल के आई है, कांग्रेस की रैली रखी गई है, तो लोग खुल के उत्साह दिखा रहे हैं। हर गांव में, हर कस्बे में, हमारे पूरे ज़िले में उत्साह है। और बीजेपी की नीतियों से लोग परेशान थे ही, क्योंकि किसान वर्ग और युवा वर्ग, ये दो ऐसे वर्ग हैं जो बिल्कुल बीजेपी ने जिनके लिए कोई काम नहीं किया। युवाओं के लिए नौकरी नहीं दी, किसानों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। प्रदर्शन धरने यही कुछ चलता रहा, आपको पता। तो आज सारे वर्ग जो हैं इनके खिलाफ हैं और रैली पूरी कामयाब होगी, बहुत तकड़ा जो इकट्ठ यहाँ पे कल होने वाला है 27 को। कितनी भीड़ की उम्मीद है? देखिए, जितना हमारा पंडाल है इससे दुगनी तिगनी होगी। अब वो कोई रैली का मुंह तो होता नहीं कि कितने हैं कितने नहीं, कोई गिनती नहीं हो सकती, लेकिन जितना पंडाल है इससे 3 गुना ज़्यादा लोग यहाँ पे कल होंगे। किस रूप से कौन कौन वक्ता आएंगे? देखिए, बहन कुमारी शैलजा जी महासचिव IICC और प्रभारी हैं हमारी उत्तराखंड की, और रणदीप सुरजेवाला जी वो हमारे कर्नाटक के प्रभारी हैं और राज्यसभा सांसद हैं, और किरण चौधरी जी जो आज हमारी तो शाम से MLA हैं, पूर्व मंत्री हैं, मुख्य रूप से ये आएंगे और कई MLA, कई पूर्व सांसद सभी यहाँ आएंगे। भीड़ के लिए क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं? देखिए, सारी बैठने की व्यवस्था है, खाने पीने की हर तरह की व्यवस्था है। सारा जो भीड़ आएगी उसको कोई निराश होकर नहीं, मतलब सबको बैठने की जगह मिलेगी, अच्छा सारा रहेगा। हमारी नेता कुमारी शैलजा जी हैं, हम यही चाहते हैं वो यहाँ के चुनाव लड़े, और जन जन की आवाज़ है, क्योंकि उनके उस टाइम के लोग काम को याद करते हैं। उनका लोगों के बीच में जो उत्साह है, जो जुड़ाव है, जो घर घर में उनकी पहुँच है, इसलिए वो लोकप्रिय नेता हैं, और उन्हीं की वजह से ये रैली भी यहाँ पे बहुत अच्छी होने वाली है।